रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नारे तकबीर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा आली जनाब, बाबा साहब अंबेडकर साहब हमारे कायद। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बाबा साहब अंबेडकर साहब की एक बात से प्रभावित हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख हुई थी तो बाबा साहब ने एक बिल प्रस्ताव मंजूर लाए थे कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसको 3 साल की सजा होना चाहिए। मैं इस बात से मुतासिर हूँ, इसलिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश कर रहा हूँ। और एक आखिरी बात, एक 2 मिनट की बात, मेरी बात सुन लीजिए भाई, आप भी सुना रहा हूँ। जब मैं MIM के अंदर था, मैंने पिछले खासदार के इलेक्शन में बुटीलन में एक सभा करा था, बुटीलन में पिछले खासदार के खिलाफ 2 अल्फाज बोला था। उन्होंने इमीडिएट उस वक्त CM फडणवीस साहब को फोन करके सुबह मुझे अरेस्ट करा दिया, 14 महीने मुझे जेल में रखा और आमदार के इलेक्शन तक मुझे बाहर नहीं आने दिया। और मैं चैलेंज करता हूँ उस सभा से, आज आप मुझे अंदर डाल के बताओ, क्योंकि संविधान यहाँ बैठा है, आज मुझे अंदर डाल के बताओ, क्योंकि संविधान यहाँ बैठा है, आज अंदर डाल के बताओ कि क्यों मारे जाने दो। और रही बात अफसर खान की बात, मैं जब सभागृह के अंदर मैं जब मुद्दे उठाता था तो कोई भाई का लाल मेरे साथ नहीं था, वो सिर्फ अफसर खान था। अफसर खान ने मुझे सपोर्ट किया और हमेशा सपोर्ट करते रहे। और एक बात बता दूं, मैं 14 महीने जेल में था तो मेरी माँ दारुसलाम हैदराबाद गई, रमजान का महीना था, दारुसलाम के अंदर रोजे के अंदर मेरी माँ दारुसलाम के इर्द गिर्द भटक रही थी, असद अवीसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मेरे बच्चे को बाहर लाओ। ये असद अवीसी जी ने मेरी माँ को धुतकार के अकाल दिया, मेरे भाई। आज मैं आपसे तो बहुत अद्भुत गुजारिश करता हूँ, मेरी आप भी तो सुना रहा हूँ, मेरे भाई 4 नंबर बटन दबाकर मेरे भाई को कामयाब कीजिए, भाड़ा साहब को कामयाब कीजिए। मैं अद्भुत गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, मेरी माँ रोजे की हालत में दर दर भटक रही थी, मैं बता नहीं सकता, मैं 14 महीने इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे जेटो के झूठे केस में फंसाया। आप फडणवीस की साठगांठ है, इनके वो सिंगारे बनते पिया है, हमको ऊपर से प्रेशर है। अरे किसका प्रेशर है? अरे फडणवीस का प्रेशर है बोलता, मेरे को 14 महीने जेल में रखे, मेरा तबर, मेरा खानदान, मेरे लोग मेरे घर तक आ गए, मेरा खानदान दबाव बर्बाद कर दिया। अगर आज कुछ लोगों की दुआ से, तुम्हारी लोगों की दुआ से टिका हुआ हूँ और इंशाल्लाह खबर में ठंडा होगा और MIM को यहाँ से जड़ से उखाड़ने का काम मजलिस वंचित आघाड़ी करेंगे, साफ करेंगे। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, 2 लाख से गिनती स्टार्ट होंगी, वंचित बहुजन आघाड़ी भारत साहब के पीछे खड़ा है, 2 लाख से गिनती स्टार्ट होंगी। मुसलमानों 2 लाख और दे दो, हमारी सीट निकट इंशाल्लाह। और आखिरी चंद अचार पे अपनी बात खत्म करूंगा, टाइम 4 नंबर बटन दबाकर गैस सिलेंडर को कामयाब कीजिए। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मेरे भाई, हाथ जोड़ अल्लाह के वास्ते, अल्लाह रसूल का वास्ता तुम्हारे को याद, मेरे भाई मेरी माँ बहुत दर दर भटका, मुझे बहुत परेशान किया ये लोगों ने, आप बेहतर जानते। आखिरी चंद अचार पे अपनी बात खत्म करूंगा, हर दिन तो मचंदी किरणों ने अब सूने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे है दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या बस में जा महकाएंगे या खूह में नहा कर दम लेंगे, सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जा में शहादत भी लेंगे। अल्लाह अकबर, जय भीम, जय महाराज।